नमस्कार आप देख रहे हैं एस पी नाइन न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह एक और बड़ी खबर के साथ आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूं मैं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार के सियासत में काफी ज्यादा उग्र पर नजर आ रहे हैं वो लगातार एक के बाद एक कड़े बयान जो है वो इन दिनों देते हुए नजर आ रहे हैं और एक और बयान इस वक्त जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है उनके बयान के तहत यहाँ पर बीजेपी के ऊपर वो बड़ा निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडिया से बात कर रहे थे थे, इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है बीजेपी के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगी आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी की औकात की बात की है गुरुवार को तेजस्वी यादव ने सीधा कहा है कि बीजेपी में औकात नहीं है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़े बीजेपी में ना हिम्मत है और ना जिगर अगर है तो वो हमारी चुनौती स्वीकार करें तेजस्वी यादव यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है बिहार लोकतंत्र की जननी है बीजेपी के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगी इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमला बोला तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की सराहना की तेजस्वी ने कहा कि जब अटल जी आडवाणी जी होते थे तो एक अलग शिष्टाचार होता था उस वक्त में विपक्ष होता था और सत्ता होती थी लेकिन तरह से किसी को अपना दुश्मन बनाकर टारगेट नहीं किया जाता था प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहा कि आप या तो उनका गुलाम बन जाइए या उनके हाथों पर बिक जाइए राष्ट्रीय जनता दल ना तो गुलाम बनने वाला है ना बिकने वाला है हम लोग लड़ने वाले हैं और लड़ेंगे जेपी नड्डा ने भी इस बयान का जवाब दिया था आपको बता दें कि पटना में बीजेपी के सातों मोर्चों की बैठक के बाद जेपी नड्डा के द्वारा दिए गए बयान की आने वाले समय में रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बिहार को चुनौती दे रहे हैं लोकतंत्र की जननी है बिहार और इन्होंने लोकतंत्र को चुनौती दे दी है ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे घर घर तिरंगा लगाए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि तिरंगा को हम लोग दिल में रखते हैं तन मन में तिरंगा रहता है लेकिन बीजेपी के लोगों का एक ही रंग है तिरंगा के बाद अगर करते हैं तो तिरंगा को वास्तविकता में लागू कीजिए अब इस तरीके से नीतीश कुमार का जो है यहाँ पर जिक्र भी उन्होंने किया नीतीश कुमार को लेकर के भी वो अपने बयानबाजी करते हुए नजर और उनके बयान में झुकाव देखने को मिला यहां पर तेजस्वी यादव के इस बयान से बीजेपी में तो हड़कम मच ही गया है क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि यहां पर बिहार में अपनी सत्ता वापस से लेकर के आए और अच्छे पैमाने पर लेकर के आए हालांकि अभी भी सत्ता में है लेकिन वो खुशी और वो जज्बा के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है इसीलिए वो एक बार यहाँ पर आर जे डी की तरफ भी अपना झुकाव रखते हुए साफ नजर आए थे लेकिन अब इन तमाम मुद्दों को देखते हुए और तेजस्वी यादव के बयान को देखते हुए ये तो साफ़ हो हो जाता है कि लगातार रही बयानबाजी से यहाँ पर बीजेपी का आरजेडी के साथ भी कोई गठबंधन फ्यूचर में नहीं होगा फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही आप लोग को क्या लगता है कि बिहार में चल रही सरगर्मी के बीच किसकी जीत किसकी हार और तेजस्वी यादव के बयान से बीजेपी में जो हड़कम मचा है आखिरकार तेजस्वी यादव को क्या वो भी भुगतना पड़ेगा आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा बहरहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज